हेलो एंड वेलकम टू ऑल, दिस इज़ योर चैनल टीम स्टार क्लासेस। आप सबके अपनी टीम स्टार क्लासेस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रिकॉर्ड वर्जन में अब वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, बिकॉज मैं लाइव आया था तो उसमें सारे नेट का इश्यू था तो इसलिए एक्सेस नहीं हो पा रहा था। सो जैसे स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण सेशन, ग्रीन हाउस गैस समझते चले जाइएगा। ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं? वे गैसेस जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है, मतलब गर्मी पैदा करती है, मतलब तापमान बढ़ा देती है। तापमान बढ़ेगा तभी तो गर्मी होगी, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है, नहीं पृथ्वी को गर्म करने वाली गैस कौन सी कहलाती है? ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। दूसरा कारण क्या बनती है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मतलब पूरे विश्व में, वार्मिंग मतलब गर्मी, यानी पूरे विश्व का तापमान यानी वैश्विक उष्मायन के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। ठीक, तो गैस कौन सी कहलाती है? ग्रीन हाउस गैस। तो इसका ट्रिक मैंने बताया है कि किस ट्रिक से आप सभी लोग ग्रीन हाउस गैसेस को अच्छे से रिमेम्बर कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। पहला मीना का जलवा ओस है। ट्रिक क्या है? मीना का जलवा ओस है। ठीक है, मी से क्या हो जाएगा? मीथेन। मी से क्या हो जाएगा? मीथेन। ठीक है, ना से क्या हो जाएगा? मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। ठीक है, ना से क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। ना से क्या हो जाएगा भैया? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड भी किस प्रकार की गैस की श्रेणी में रखा गया है? तो ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, कहा से क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ये भी किस गैस की श्रेणी में रखा गया है? तो ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में रखा गया है। जल से जल हो जाएगा और वाष से क्या हो जाएगा? वाष से वाष्प हो जाएगा। तो जल वाष्प को भी ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में रखा गया है। एंड ओ से क्या हो जाएगा? ओजोन। ओजोन भी किस गैस की श्रेणी में रख दिया गया है? तो ओजोन को भी ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में रख दिया गया है। और लास्ट में सा से क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को भी किस गैस की श्रेणी में रख दिया जाता है? तो ये आपको रखा गया है किसमें भैया? तो ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक, एक क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ मेन आपका सारा, ये आपका ट्रिक भी हो गया और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, मीथेन क्वेश्चन पूछा गया, गोबर गैस से कौन सी गैसें निकलती हैं? तो गोबर गैस से निकलने वाली गैस कहलाती है मीथेन। कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। ठीक है, गोबर गैस में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो गोबर गैस में तो जाने कि मीथेन गैस निकलती है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी पाई भी जाती है? तो मीथेन ही पाई जाती है। नेक्स्ट, सड़ी गली वनस्पतियों से कौन सी गैस निकलती है? तो ठीक है, सड़ी गली वनस्पतियों से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है भैया? मीथेन गैस निकलती है। कूड़े के ढेर से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? तो ये हो जाएगी मीथेन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? मीथेन आंसर हो जाएगा। साथ साथ नमी वाले क्षेत्रों से कौन सी, नमी वाले क्षेत्रों में कौन सी गैस उपस्थित होती है? तो भी आपका आंसर हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट, तो ये समझ गए, किस गैस को कई बार पूछा था मार्स गैस कहता है? तो किस गैस को मार्स गैस कहता है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका मीथेन। अब क्यों कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये किन क्षेत्रों पर आती है? दलदलीय क्षेत्रों में। तो एक क्वेश्चन और पूछाएगा कि दलदलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। जहां दलदल होते हैं, ठीक है, वहां पे कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, दलदल को क्या बोलते हैं? मार्शी बोलते हैं। अच्छा, वाई हटा देंगे तो क्या बनेगा? तो वाई हटा देंगे अगर तो क्या बनेगा? तो वाई अगर हटा देंगे तो क्या बचेगा? मार्स। इसीलिए से किस गैस के नाम से रहता है? मार्स गैस के नाम से रहता है। तो किस गैस को मार्स गैस के नाम से रहता है? तो आंसर होगा आपका मीथेन को, बिकॉज ये दलदल में पाया जाता है और दलदल को मार्शी बोलते हैं। अगर वाई हम हटा देंगे देख लिए तो क्या बचेगा? मार्स। इसीलिए से मार्स गैस के नाम से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की खेती से निकलने वाला गैस कौन सा है? तो मीथेन है। धान की खेती में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? तो जल की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है भैया? जल। और जब जल भूमि पर अगर जल डालेंगे तो वो क्षेत्र क्या हो जाएगा? नमी हो जाएगा। और मैंने बताया था नमी वाले क्षेत्रों से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। तो इतने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछाएगा, जुगाली करने वाले पशु। जुगाली करने वाले पशु का मतलब जो मुंह चलाते हैं, जैसे मान लो उनको चारा दिया गया, जुगाली करने वाले पशु का एग्जाम्पल क्या बनेगा? बकरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बकरी बन जाएगा। ठीक है, गाय बन जाएगा, सबसे ज्यादा गाय है। फिर क्या है? भैंस। फिर क्या है? भैंस। तो गाय, भैंस, बकरी, जुगाली करने वाले पशु जो मुंह चलाते हैं, देखा होगा, यानी जब वो चारा खा रहे होंगे उसमें जल मिला होगा तो मुंह चलाएंगे तो फेरा निकलता है। फेरा यानी झाग निकलता है। और झाग में क्या उपस्थित होती है? नमी। तो मैंने बताया था नमी में कौन सी गैस उपस्थित होती है? तो मीथेन गैस उपस्थित होती है। कौन सी गैस उपस्थित हुई है? मीथेन गैस उपस्थित होती है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड भी किस गैस के नाम से आता है? इस किस गैस की श्रेणी में आता है? तो ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में। इसे किस गैस के नाम से आता है? इसे हास्य गैस बोलते हैं।
हास्य गैस का अर्थ क्या होता है, मतलब हंसाने वाली गैस किसे बोला जाता है, तो हंसाने वाली गैस क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा जिम्मेदार, ग्रीन हाउस गैस में ये पिछली बार क्वेश्चन आया भी था कि ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है, सर्वाधिक जिम्मेदार गैस, तो सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कहलाती है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। फिर ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जल से हो जाएगा जल और वाष्प से हो जाएगा वाष्प, जल वाष्प, ध्यान से देखिएगा, जल वाष्प भी किस प्रकार की गैस की श्रेणी में रखा गया है, तो उसको भी रखा गया है ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में, किसमें रखा गया भैया, ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछाएगा ओजोन, ओ से क्या हो जाएगा ओजोन, ओजोन पूछाएगा किस गैस की श्रेणी में रखा गया है, तो उसको भी रखा गया है ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी की सुरक्षा कवच किसे बोलते हैं, क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी की सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि पृथ्वी की सुरक्षा कवच किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की सुरक्षा कवच जो होता है वो ओजोन को कहते हैं, किसको कहते हैं, ओजोन को कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, ओजोन को, कि ये सूर्य से आने वाली, किससे आने वाली भैया, सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकता है, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है, किन किरणों को रोकता है, पराबैंगनी, परा को बोलते हैं अल्ट्रा, क्या बोलते हैं, तो पराबैंगनी किरणों को रोकता है, किन किरणों को रोकता है, तो पराबैंगनी किरणों को रोकता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो परा को बोलते हैं, ध्यान से देखिए, अल्ट्रा, क्या बोलते हैं, अल्ट्रा, और बैंगनी को बोलते हैं वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, तो अल्ट्रा वायलेट गैस को रोकने वाली गैस कौन सी है, ओजोन गैस। अगर ये किरणें किससे पड़े, त्वचा पे पड़े, इसे पड़े हमारे स्किन पे, स्किन मतलब हमारे त्वचा पे पड़े, तो वही कौन सा, वहीं पे क्या हो जाएगा, त्वचीय कैंसर, यानी त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर नामक रोग किस किरण से होता है, पराबैंगनी किरणों से होता है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया, तो इसकी खोज किया था कार्ल रिटर ने, किसने खोज किया था भैया, कार्ल रिटर ने खोज किया था, बहुत ध्यान से देखिएगा, कार्ल रिटर ने इसकी खोज किया था, ध्यान से देखिएगा, तो पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया, तो कार्ल रिटर ने किया। पराबैंगनी किरणें अगर त्वचा पे पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, त्वचीय कैंसर, तो कौन रोक रहा है इसको, ओजोन गैस, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोक रहा है, और पराबैंगनी किरणें किसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है, त्वचीय कैंसर के लिए। तो देखिए, ये हमें बचा रहा है ना त्वचीय कैंसर से, स्किन कैंसर से, कौन नहीं निकलेगा धूप में, ठीक है, तो सबको होता चला जाएगा, तो बहुत बड़ी घातक हो जाएगा मनुष्य का, मतलब कि मनुष्य का उपस्थिति ही खतरे में रहेगा। फिर देखिए ध्यान से, तो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली गैस कौन सी होती है, ओजोन गैस, इसीलिए इसे क्या बोला गया, पृथ्वी की सुरक्षा कवच, और एक और इसे बोला गया, दिया गया है, पृथ्वी का कंबल किसे बोलते हैं, तो पृथ्वी का कंबल भी किसे बोलते हैं, तो ओजोन गैस को बोलते हैं। कंबल क्या करता है, अभी जैसे जैसे जाड़े का समय है, तो कंबल ठंडी से हमें बचाता है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा, इसीलिए इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच या पृथ्वी कंबल बोलते हैं। ये हमें किसे बचा रहा है, पराबैंगनी किरणों से बचा रहा है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड को किस गैस की श्रेणी में रखा गया है, तो ये रखा गया कहा, ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में रखा गया। ये सल्फर डाइऑक्साइड की कलर कैसा होता है, रंग, तो इसका रंग होता है पीला, ठीक, तो पीला होता है, और ये कहाँ पाया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, किस ग्रह पे, तो बृहस्पति, किस ग्रह पे पाया जाता है, मैंने पढ़ाया भी था, पति है पीले, पास है पति, तो पास है पीले, तो किस ग्रह को पीला ग्रह कहते हैं, तो लिख सकते हैं पीला ग्रह किसे कहते हैं, तो बृहस्पति पे, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति ग्रह में कौन सी गैस पाती है, सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड किस गैस की श्रेणी में रखा गया है, तो इसे ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में रखा गया है। एक से दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, बस हो जाएगा। तो इसे सल्फर डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में रखा गया है, इसका कलर पीला होता है, इसीलिए बृहस्पति ग्रह पाया था, इसीलिए बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।